भक्तवग्गो धम्मपद गाथा नंबर 36। इसकी कथा मेन 35 वाली ही कथा है, मगर एक कथा इसके अंदर और भी जुड़ी हुई है कि एक सावित्री के अंदर एक श्रेष्ठी होता है, यानी कि सेठी होता है सेठ, उसका पुत्र साधना करने के लिए जाता है, वो साधना नहीं कर पाता, बड़ी उसे कठिनाई आती है विपसना करने में, साधना करने में, चित्त को संभालने में, चित्त को कंट्रोल करने में, मन को अपने कंट्रोल करने में, मन को साधने में, मन का दमन करने में। तो जब वो जाने लगता है तब भगवान बुद्ध ये गाथा कहते हैं। गाथा इस प्रकार है, सुदु दस्संग सुनी पुण्यंग यत्त काम निपातिनंग चित्तंग रखेत मेधावी चित्तंग गुत्तंग सुखावहं। 35 और 36 गाथा लगभग एक सी हैं, कोई खास अंतर नहीं है अगर ध्यान से देखेंगे। उसमें था दुष्कर होना, इसमें है सुदु दस्सन, यानी सु माने अच्छा, दु माने दुष्कर और दस्सन माने देखना, यानी जिसको देखना बड़ा ही अच्छा है मगर दुष्कर है। मतलब अच्छा दुष्कर का मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से कठिन है। किसको देखना कठिन है? मन को, यानी मन को देखना बहुत ही ज्यादा कठिन है। सुनिपुण्यंग, सुनिपुण्यंग माने मन बहुत ज्यादा होशियार है, सुनिपुण निपुण है, यानी अच्छी तरह से निपुण है, बहुत होशियार है। यत्त काम निपातिनंग, यत्त काम निपातिपंग, यत्त माने जहां, काम माने काम वासना, निपात माने आना जाना, अंग माने को, यानी कि वो जो बहुत तेजी से काम वासना में इधर उधर यहां जहां आता जाता है। चित्तंग रखेत मेधावी, जो समझदार भिक्कू होता है, मेधावी भिक्कू होता है, वो रखेत उसकी रक्षा करता है चित्त की। चित्तंग गुत्तंग सुखावहंग, चित्तंग गुत्तंग, चित्तंग माने चित्त को, गुत्तंग माने गुप्त तरीके से, यानी कि अच्छी तरह से संरक्षण करना, जो उसकी देखभाल करता है। सुखावहंग सुख पूर्वक है। इस गाथा का अगर हम साधारण मतलब समझें तो वो इस तरह से है, जो बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है बड़ा होशियार है, जो जहां चाहे वहां आता जाता है, मेधावी को चाहिए कि चित्त की रक्षा करे, सुरक्षित चित्र सुखदायी होता है। ये गाथा नंबर 36 है। मेधावी को चाहिए कि चित्त की रक्षा करे, क्योंकि ऐसा चित्र जो बहुत ज्यादा दुष्कर है, यानी कि जिसको देखना बड़ा दुष्कर है और जो बहुत होशियार है, जो काम वासना में तेजी से आता जाता रहता है यहां जहां, उसकी रक्षा करे, उसको साधे, उसको दमन करे। ये गाथा नंबर 36 है। धन्यवाद।